ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए मनोहर लाल खट्टर जी, ऐसा मत कहिए। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, सवाल तो मैं पूछूंगा ही, कल से जनता जिंदाबाद में आपसे और आपकी सरकार से, आपके मंत्री से सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आज विनती कर रहा हूं, क्योंकि कल जब सवाल पूछ रहा था और आपके मंत्री ने ये कहा था कि कोई मास्टरमाइंड है और प्लानिंग से ये सब किया गया है, तब भी मैंने कहा था कि कहाँ है आपका इंटेलिजेंस, कहाँ है आपकी पुलिस, और आप प्रदेश के मुखिया होकर जब ये कहने लगे कि सरकार हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती, आर्मी हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो आपसे क्या सवाल पूछा जाए? आपसे हाथ जोड़कर विनती की जा सकती है, तो विनती मान लीजिए, विनती मान लीजिए, हाथ जोड़ रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया है, आपको उस कुर्सी में इसलिए नहीं बैठाया गया है खट्टर साहब कि आप ये कहें जनता से कि मैं या सरकार या पुलिस या आर्मी हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती। कहां जाएंगे लोग? 6 लोग मर गए खट्टर साहब, 6 लोग मर गए, 6 लोगों की जान चली गई, 6 लोगों के बच्चे अनाथ हो गए, मां बाप बेसहारा हो गए, पत्नी विधवा हो गई। आप इस दर्द को समझिए खट्टर साहब, आप मुख्यमंत्री हैं, आप ऐसा मत कहिए। आपसे उम्मीद है, जनता ने 2-2 बार आपको कुर्सी पर बैठाया है, इसलिए आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ये भगवान हैं, ये सारे लोग भगवान हैं आपके लिए, और इनके सामने आप ये गारंटी अगर नहीं दे सकते हैं कि आप इनकी जान बचा सकते हैं, तो कम से कम ये बिल्कुल मत कहिए कि पुलिस हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकती। इससे हताश होता है इंसान, निराश होता है, बेबस होता है, सिस्टम की लाचारी देखकर परेशान हो जाता है और सोचता है क्या इन्हीं लोगों को हमने वोट दिया था जो आज ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कि पुलिस हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती। क्यों कर रहा हूं जनता जिंदाबाद? चलिए 2024 की बात भी कर लेता हूं। खट्टर साहब अगर सुन रहे होंगे तो उम्मीद है कि दोबारा ऐसा विवादित बोल कम से कम 6 लोगों की जान जाने के बाद तो नहीं बोलेंगे। चलिए अब 2024 की बात कर लेते हैं। संसद में बवाल है, मणिपुर का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इसके अलावा मुहर्रम और शोभा यात्रा में, धार्मिक यात्रा में जो पथराव हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, ये क्या 2024 तक ये होने वाला है? इसलिए आपको मैं बता दूं कि क्या है, मणिपुर में हिंसा का मामला थमा नहीं है, संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है, देश के कई शहरों में मुहर्रम के दौरान हिंसा हुई है, 1 अगस्त को नूह में धार्मिक यात्रा पर हमला हुआ, और हरियाणा के कई शहरों में हिंसा की आग भड़की हुई है। तो ये सब क्या 2024 तक होता रहेगा? और इसी सवाल जवाब के लिए हमने एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर भी आपको सवाल पूछा है, आप वहां जाकर सवाल देख लीजिए, कमेंट कीजिए, जिसने भी कमेंट किया है आपके कमेंट को मैं शो के अंतिम में पढ़ूंगा, और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए इसलिए मायने रखती है क्योंकि जनता जिंदाबाद में हमेशा आपसे संबंधित सवाल जवाब मुद्दों पर ही मैं जनता जिंदाबाद करता हूँ। एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था, और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया। यात्रा हमने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया, कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण दुर्घटना का। हरियाणा के नुहू मेवात, मानेसर, गुड़गावा, सोहना में हुई हिंसा के साजिश करता वो सफेद पोश हैं जो हरियाणा की सत्ता की शहतीर पर बैठे। तय करके इजाजत ली गई थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि किसी ने ये साजिश रची है इस भाईचारे को खराब कर। बल इंजन की सरकार है, साजिश कर कौन रहा है? सुन लिया आपने, जिसको जो अपने अपने हिस्से का है वो उन्होंने बोल दिया है, लेकिन नूह क्या कह रहा है? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।